दोस्तों, हमारे देश भारत को दुनिया में विश्व गुरु कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में गुरु को सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है। आदिकाल से गुरुओं का आदर होता आया है। गुरु न केवल मानव को ज्ञान प्रदान करते हैं बल्कि एक बच्चे को उसकी ताकत और उसकी कमजोरियों की पहचान कराने में मदद करते हैं, जिससे एक बेहतर इंसान बनने में मदद मिलती है। हमारे देश में गुरुओं का दर्जा भगवान से भी ऊपर दिया गया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के ऐसे महान गुरु और शिक्षकों के बारे में जिनकी वजह से भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो हमारे देश के महान विचारक, शिक्षाविद और दार्शनिक थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कलकत्ता, मैसूर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हैरिस मैनचेस्टर कॉलेज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सहित दुनिया भर के असंख्य विश्वविद्यालयों में पढ़ाया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अविस्मरणीय योगदान और उनके सम्मान के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमेशा चाहा कि उनको एक अच्छे शिक्षक के तौर पे याद किया जाए। उनको पढ़ाने का जुनून था। उनका निधन 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में पढ़ाते समय हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। उनकी जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आचार्य चाणक्य, आचार्य चाणक्य महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री और गुरु थे। वे कौटिल्य के नाम से भी विख्यात है। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने मुख्यतः भील किराज राजकुमारों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। उन्होंने राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि कई महाग्रंथों की रचना की। उन्हें अर्थशास्त्र मौर्य कालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक, अखंड ब्रह्मचर्य और आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार और आर्यव्रत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वे एक सन्यासी तथा एक चिंतक थे। उन्होंने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना। वेदों की ओर लौटो, यह उनका प्रमुख नारा था। स्वामी दयानंद ने वेदों का भाष्य किया, इसलिए उन्हें ऋषि कहा जाता है। उन्होंने कर्म, सिद्धांत, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य और सन्यास को अपने दर्शन के 4 स्तंभ बनाए। रविंद्रनाथ टैगोर विख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बंगला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूकने वाले युग दृष्टा थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ही रचना है। सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। वे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और समाज सुधारिका एवं मराठी कवित्री थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। वे प्रथम महिला शिक्षिका थी। उन्होंने आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहले प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। वे वेद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका में स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोगी शिष्य थे। कलकत्ता के कुली बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद का आध्यात्मिकता की ओर झुकाव था।
मुंशी प्रेमचंद धनपत राय श्रीवास्तव का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। आगे चलकर ये प्रेमचंद के नाम से विख्यात हुए। वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, फूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।